गुड मॉर्निंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका जो सेपरेट वीडियो लेके आ रहे हैं लेसन नंबर 7 के लिए, जैसे कि आपकी डिमांड थी कि मैम उनको एक साथ समझ में नहीं आ रहा है, तो लेसन नंबर 7 की यहाँ पर है आपकी सेपरेट वीडियो। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, क्या हर क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पर। आपने पढ़ी थी कि गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। गतियों के अंदर आपने देखा था कि एक तो क्या थी, स्थानांतरण गति, एक आपने स्थानांतरण गति देखा था, दूसरा आपने देखा था घूर्णन गति, और तीसरा आपने देखा था स्थानांतरण प्लस घूर्णन गति। तो स्थानांतरण गति में क्या होता था, किसी भी पार्टिकल को आप डायरेक्टली थ्रो कर रहे हो तो स्थानांतरण गति है। रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता था, घूर्णन गति के अंदर क्या होता था कि वो सिर्फ घूमे जा रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। स्थानांतरण या घूर्णन में क्या था कि किसी भी वस्तु को आप फेंक रहे हो आगे रोटेट हो रही है, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने अगला टॉपिक पढ़ा था स्किल गतिमान के, इसको आपको ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से कि केंद्र क्या होता है। केंद्र डिस्टेंस पर निर्भर करता है, गतिमान केंद्र किसी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र पढ़ लिया था। उसके बाद आपको जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण के बारे में बताया था कि आघूर्ण क्या होता है। इसके पहले आपको छोटे छोटे टर्म्स बताती थी, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि द्विकर्ण निकाय के लिए आपने सब इसके बाद काम किया था द्विकर्ण निकाय के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था वो था कि बहुत सारे सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे, एन कर्ण निकाय के लिए। ये वो टॉपिक है जो भी आपको दोबारा रिवाइज भी करने हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी मास के लिए, त्वरण के लिए, किस किस के लिए बताया था। मैंने आपको त्वरण के लिए बताया था, वेग के लिए बताया था। ठीक है, उसके बाद हमने किया था संवेग के लिए, फिर हमने किया था बल के लिए जो मार निकाल रहे थे। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि मोशन भी कितने टाइप से हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है, तो क्या क्या वैल्यू चाहिए, XYZ या IG के लगेगा। ये हो गया था। इसके बाद मैंने आपको क्या करवाया वो देखिए। इसके बाद हमने देखा है सदिश गुणन, आपको सदिश गुणन के लिए मैंने करवाया है टॉपिक। उसके बाद मैंने आपको करवाया है अदिश गुणन, सदिश गुणन हो गया, अदिश गुणन हो गया। देखते जाइए इनको, फिर बच्चे ने समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आपको समझाया था कोणीय विस्थापन, काफी पार्ट तो हट गया है इस चैप्टर का, ये नहीं हटाया जितना भी करवाया है, कुछ भी नहीं हटाया है। कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग करवाया जा चुका है आपको, कोणीय त्वरण करवा दिया गया है आपको। ठीक है, ये सब कराने के बाद आपको एक और करवाया था हमने कि कोणीय वेग वैरेख्य वेग में संबंध, कोणीय वेग वैरेख्य वेग में संबंध, मतलब कि R ओमेगा
ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब क्या समझा रही हूँ वो देखिए, आपको यहां बताएंगे रेखीय है और इसके साथ में इसका बताऊंगी आपको कोणीय, इससे आपके लिए डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या है, पहला प्रारंभिक वेग इसको हम दिखाते हैं यू से, यहां इसको दिखाया जाएगा ओमेगा नॉट से। अंतिम वेग वी से दिखाते हैं, यहां दिखाया जाएगा ओनली ओमेगा से। त्वरण यहां दिखाया जाता है ए से, यहां दिखाया जाएगा अल्फा से। समय यहां भी टी होता है, यहां भी टी होता है। बल यहां एफ होता है, यहां बल आघूर्ण होता है टॉर्क, बल आघूर्ण क्या लिखोगे योग्य सब क्या है कोणीय लगा देना, कोणीय प्रारंभिक वेग, कोणीय अंतिम वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय समय, कोणीय बल, कोणीय कोणीय बल को हम बोलते हैं बल आघूर्ण। फिर आएगा यहां पर संवेग, संवेग को यहां मैं दिखाती हूँ पी से, यहां कोणीय समय होगा एल से, किससे दिखाएंगे एल से, नोट कर लेंगे हम। एक और है विस्थापन या दूरी, विस्थापन या दूरी यहां एस से दिखा देते हैं और यहां दिखाते हैं थीटा से, इन चीजों को नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे आप न्यूटन की गति के समीकरण, न्यूटन की गति के समीकरण में निकाल दीजिए। न्यूटन की गति के समीकरण क्या थे, बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो अब देखिए बी को क्या लिखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यह क्या हो जाएगा थीटा बराबर यू को ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसके लिए क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, यही बनेगा, बस हो गया कंप्लीट, नोट कर लो। जितना संबंध अभी आपने करा उसमें एक संबंध और जोड़ दीजिए, अभी बहुत सारे रिलेशनशिप करने हैं आपको। कोणीय वेग है, रेखीय वेग में संबंध प्रूफ नहीं करना है इसको, सिर्फ आपको ऐसे ही देखना है रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग क्या होता है, सॉरी रेखीय संवेग और तो ये होता है एल, ये होता है पी। तो बताइए क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर पी,
हो जाएगा पी क्रॉस आर। मतलब कि एल बराबर हो जाएगा आर पी साइन थीटा एल कैप, ये इसका सदिश रूप है। नोट कर लो इसको। बात कुछ पार्ट आपके छूटे हैं वो नहीं करने हैं आपको, तो जो पार्ट आपके छूटे हैं उसके बाद अगला टॉपिक आएगा आपका जड़त्व आवरण। जड़त्व आवरण इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। डेफिनेशन आपके बुक में है, वहां से लिखोगे आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। यदि आपके सरफेस के अंदर बहुत सारे मास हैं तो ये जो समीकरण ऑफ एम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम वन एम टू एम थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। नोट कर लीजिए इसको।